सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल आइकन फॉर ऑल द बॉलीवुड अपडेट्स। प्यार वो नशा है जो अगर किसी के सर पर सवार हो जाए तो उसे पाने के लिए लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, और तो और लोग दुनिया से लड़कर सारी मुसीबतों का सामना करके भी उस प्यार को मुकम्मल कर ही लेते हैं। बॉलीवुड और क्रिकेट का रिश्ता हमेशा से ही गहरा रहा है। चोली दामन के जैसे दोनों ही प्रोफेशंस एक दूसरे से अक्सर जुड़े हुए थे, है और शायद रहेंगे। इसी साथ की एक कहानी लेकर आए हैं हम इस हफ्ते पास्ट का पिटारा में। मोहम्मद अजहरुद्दीन क्रिकेट की दुनिया का वो नाम था जिसने बहुत कम समय में काफी शान शौकत हासिल कर ली थी। अपने करियर के शुरुआती दौर में अजहरुद्दीन का नाम ना ही किसी कंट्रोवर्सी में शामिल हुआ था और ना ही किसी के साथ उनके लिंकअप की खबरें आई थी। साल 1987 में अजहरुद्दीन की पहली शादी हुई एक 16 साल की हैदराबादी लड़की नौरीन से। अजहरुद्दीन और नौरीन की ये अरेंज मैरिज थी। नौरीन काफी सिंपल लड़की थी जो अक्सर इस चकाचौंध भरी दुनिया से दूर रहती थी, लेकिन जब जब अजहरुद्दीन को उनके साथ की जरूरत थी तब तब वो अपना पूरा सपोर्ट देने से पीछे नहीं हटी। अजहरुद्दीन और नौरीन को दो बेटे हुए। इनकी शादी में सब कुछ परफेक्ट चल रहा था 1990 तक, लेकिन उसी दौरान अजहरुद्दीन की मुलाकात हुई अपने समय की वन ऑफ द बिगेस्ट बॉलीवुड एक्ट्रेस और फॉर्मर मिस इंडिया संगीता बिजलानी से एक एड शूट के दौरान। पहली नजर में ही संगीता ने अजहरुद्दीन को अपना दीवाना बना दिया था, जिसके बाद अजहर अपना सब कुछ भूल गए, यहाँ तक कि अपनी बीवी नौरीन को भी। लाइमलाइट से दूर रहने वाले अजहर अब मुंबई कुछ ज्यादा ही आने लगे, और ये सब सिर्फ संगीता से मिलने के लिए। मुझे संगीता से उसी वक्त प्यार हो गया था जब मैंने उसे पहली बार देखा था, और तभी मैंने सोच लिया था कि मैं उससे शादी करूंगा। कहते हैं कि जिनका मिलना लिखा होता है वो तब भी मिल जाते हैं जमाने के लाख रोक टोक के बावजूद, और वैसा ही कुछ अजहर और संगीता के साथ हुआ। संगीता के दिल का कमरा उस वक्त खाली था और उनके दिल को गहरी चोट पहुंची थी, जिसे मरहम लगाने वाले बने अजहर। दरअसल संगीता उस दौरान सलमान खान को डेट कर रही थी, लेकिन सलमान ने उन पर चीट किया था सोमी अली से, और संगीता को पहुंचा था गहरा सदमा। लेकिन संगीता के इस मर्ज की दवा बनकर उनकी जिंदगी में आए अजहर। दोनों को एक दूसरे के साथ में वो सुकून मिला जो अब तक किसी और के साथ नहीं मिला था, और शायद इसीलिए दुनिया की परवाह किए बिना दोनों खुलेआम एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। इनफैक्ट 1993 तक दोनों एक दूसरे को डेट कर ही रहे थे, क्योंकि संगीता अपने शादीशुदा बॉयफ्रेंड के हर मैच में मौजूद रहने लगी, चाहे वो इंडिया हो या बाहर। उस वक्त अजहर का फोकस अपने गेम से हटकर संगीता पर ज्यादा रहने लगा था, जिस वजह से टीम में इनके रिश्ते के खिलाफ काफी बातें बनने लगी। लेकिन इन सभी बातों के बावजूद अजहर ने संगीता से अपना रिश्ता तोड़ा नहीं। नौरीन इन सभी बातों से इतनी अनजान थी कि उन्हें अब तक अपने पति के अफेयर का पता नहीं चला, जब तक उन्हें उनके शुभ चिंतकों ने बताया नहीं। काफी समय बाद नौरीन ने अपना पछतावा एक इंटरव्यू के जरिए शेयर किया। काश मैं थोड़ी और जिद्दी होती और अपने पति के साथ टूर्स पर जाती। काश मैं इतनी शांत पत्नी नहीं होती जैसे वो चाहते थे मैं रहूं। कुछ समय बाद संगीता पर लोगों ने घर तोड़ने का इल्जाम लगाना शुरू कर दिया, लेकिन इन सभी बातों को इग्नोर करके संगीता और अजहर अपने प्यार की गाड़ी को आगे बढ़ाते रहे। और देखते ही देखते साल 1996 में अजहर ने नौरीन से डिवोर्स ले लिया। ये डिवोर्स उन्हें काफी महंगा पड़ा। उनके दो हैदराबाद वाले बंगलोज, दो BMW कार्स और बहुत सारा पैसा अजहर को नौरीन को देना पड़ा। खबरों के मुताबिक उस दौरान संगीता प्रेग्नेंट थी और इसलिए वो अजहर से शादी करना चाहती थी, लेकिन उन्हें अजहर की दूसरी वाइफ कतई नहीं बनना था। वो चाहती थी कि अजहर पहले नौरीन को डिवोर्स दे और फिर उनसे शादी करे। नौरीन के भाई इस डिवोर्स से बिल्कुल खुश नहीं थे। उन्होंने अपनी बहन का दर्द बयान करते हुए कहा। अजहर ने डिवोर्स पेपर साइन किया और फिर नौरीन अपने कमरे से रोते रोते आई और पेपर्स पे साइन कर दिया। शायद इस रिश्ते को खत्म ही होना था, बस यही तमन्ना थी ये रिश्ता थोड़ा और बेहतर तरीके से खत्म होता। खैर, सभी मुश्किलों के बावजूद अजहर और संगीता ने अपना अलग आशियाना बना ही लिया और हंसी खुशी शादी के कई साल निकल गए। लेकिन देखते ही देखते अजहर का बर्ताव फील्ड पर बदलता चला गया। वो जितने शांत स्वभाव के हुआ करते थे उतने ही एरोगेंट हो गए, और ये सिर्फ फील्ड पर ही नहीं बल्कि उनकी निजी जिंदगी में भी देखा गया। और तभी शायद देखते ही देखते संगीता और अजहर की फेरी टेल लव स्टोरी टूटने के कगार पर आ गई। साल 2009, ये वही साल है जब अजहर और संगीता की दूरियां बढ़ने लगी, और ये वो साल भी था जहां अजहरुद्दीन और बैडमिंटन प्लेयर ज्वाला गुट्टा की नजदीकियां भी बढ़ने लगी। ज्वाला जब अजहर से मिली तब वो शादीशुदा थी,
लेकिन जब दो दिल मिलते हैं तो प्यार अपना रास्ता बना ही लेता है। ज्वाला की शादी भी उस वक्त टूटने के कगार पर ही थी। साल 2010 में अजहर और संगीता अलग हो गए और ज्वाला ने भी अपने पति के साथ डिवोर्स फाइल कर दिया। जब ऐसा हुआ तब सबका शक यकीन में बदल गया कि अजहर और ज्वाला सच में एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, लेकिन अजहर ने इस बात को झुठला दिया। मैं ज्वाला को काफी सालों से जानता हूँ, वो मेरी दोस्त है और हमेशा ही रहेगी। ये सब बनी बनाई कहानियाँ हैं और ये कहानी बनाने वाले वो लोग हैं जो बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया में मेरे खिलाफ है। ये खबरें काफी दुखी कर देती है। हालांकि कुछ समय बाद ये प्रूफ हो गया कि ज्वाला और अजहर के बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं था, लेकिन ये रूमर्स काफी थे अजहर और संगीता के 14 साल के प्यारे रिश्ते को तोड़ने के लिए। क्या इनका रिश्ता इतना ही कमजोर था या सिर्फ यही वजह थी दोनों के अलग होने की, ये तो कोई नहीं जानता। लेकिन आज दोनों ही अपनी अपनी जिंदगियों में आगे बढ़ चुके हैं और खुश हैं। जीवन की तो यही रीत है, किसी के जाने से ना किसी की जिंदगी रुकी है ना रुकेगी।